हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। तो ऐसे लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो जान लें, यहाँ पर आपको मिलने वाला यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई या फिर आने वाले सभी एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और उनसे संबंधित अच्छी से अच्छी पीडीएफ। तो इसलिए आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आने वाला था, लोग कह रहे थे नहीं आएगा या आने की संभावना ही नहीं है। तो इस बात की पुष्टि सीएम जी ने हमारी की है कि 47,000 सिपाही भर्ती को मिल सकता है अप्रूवल। इस महीने शुरू होगा आवेदन, जाने भर्ती प्रक्रिया। पढ़ते हैं इसको पूरी तरीके से, इसमें लिखा हुआ है यूपी पुलिस भर्ती को मंजूरी मिल गई है, दिसंबर में इसकी भर्तियाँ शुरू करने की संभावना है। सरकार से जुड़े उच्चस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक डीजीपी ने कई महीने पहले 42,000 सिपाही व 5,000 दरोगाओं की भर्ती का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। शनिवार को एक प्रोग्राम के दौरान सीएम योगी ने कहा, मेरा पूरा विश्वास है कि पुलिस की सभी भर्ती आगामी 3 साल में पूरे हो जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बढ़ते क्राइम को देखते हुए बड़ी संख्या में भर्ती को लेकर डीजीपी सुल्खान सिंह ने 42,000 सिपाही एवं 5,000 दरोगाओं के पद के लिए प्रस्ताव भेजा था। पुलिस भर्ती के द्वारा प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है। भास्कर से बातचीत में सरकार ने से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, वर्तमान में हमारे यहाँ सब अच्छी पुलिसिंग चाहते हैं, लेकिन पुलिस में भर्तियों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इससे कुछ राहत मिलेगी लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। विभागीय अधिकारियों की माने तो इसकी पुलिस भर्ती प्रक्रिया सपा सरकार के अंतिम वर्ष से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन चुनावी साल होने के कारण इस पर फाइल अटक गई थी। पुलिस एवं प्रोन्नत बोर्ड ने सिपाही भर्ती के लिए कड़े नियम बनाए हैं। भर्ती स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। सभी कैंडिडेट की लिखित परीक्षा के साथ स्क्रीनिंग भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। इसके अलावा दौड़ के दौरान भी माइक्रोचिप का इस्तेमाल होगा। सिपाहियों के लिए लिखित परीक्षा के साथ ही मेडिकल और शारीरिक परीक्षा पास करना होगा, लेकिन इंटरव्यू नहीं होगा। तो दोस्तों, ये समझ लीजिए कि दिसंबर तक आप लोग के जो है भर्ती फिर से आने की संभावना है। जो लोग कह रहे थे कि मतलब नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो उम्मीद की जा रही है कि भर्ती दिसंबर तक आ जाएगी। तो अगर आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं यूपी पुलिस या यूपीएसआई की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी।